एमपी के हरदा खिरकिया नगर परिषद में बुधवार को सफाई कामगार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल खरे, प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन वाली, भोपाल अध्यक्ष जीतू बलुआ ने पहुंचकर सीएमओ राजेंद्र श्रीवास्तव को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि 5 महिला दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को काम से बंद कर दिया गया है, जिनको वापस काम पर रखने के लिए निवेदन किया गया। वहीं संघ के उपाध्यक्ष ने नगर परिषद में कार्यरत पासी के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी है कि पासी का ट्रांसफर किया जाए। महिला सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पासी उनसे बदतमीजी करता है और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के साथ प्रतिदिन शिफ्ट चेंज करता है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे सफाई कामगार यहाँ पे जो मंदिर के अंदर है, इन लोगों का अधिकांश रूप से परेशान करा जाता है। पासी जो यहाँ पर है, हाँ, वो हमारे कर्मचारियों से बड़े अत्याचार करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, और उनको इस बात की हिदायत दे दी सीएमओ साहब को, आएंगे हमारे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तभी महिलाओं को, 5 महिलाओं को बुला दिया, 1 महिला से काम देते हैं, कुछ महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनकी भी डेली चेंज की जाती है, और उनको कुछ लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दिया जाता है ताकि वो काम से परेशान होती है, और उनसे काम कराया जाता है, समय वेतन की भी परेशानी आती है, निर्धारित समय वेतन नहीं मिल जाता है। अभी सीएमओ साहब से इसकी शिकायत करी क्या अपन ने? हमने इस विषय में सीएमओ साहब से बात करी, सीएमओ साहब ने इनका कुछ सामने निराकरण किया, निराकरण करा है, और पासी जो है पासी की हमारे सामने नहीं आए, और सीएमओ साहब ने उनको याद किया कि भैया क्या समस्या है, यहाँ सफाई कर्मचारी पासी से ज़्यादा परेशान है, लिहाजा नगर पालिका से मेरा निवेदन है कि पासी जी का ट्रांसफर यहाँ से किया जाए, जो कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो परेशानी आ रही है या उनके साथ अत्याचार करते हैं, वो सब दूर किए जाए। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।